आखिर राधे श्याम में किस तरह हो सकता है प्रभास और पूजा को एक दूसरे से प्यार? क्या राधे श्याम में ऑन स्क्रीन लव स्टोरी का पड़ा है स्टार्स पर कुछ ऑफ स्क्रीन असर? क्या इस फिल्म के जरिए आ रहे हैं प्रभास और पूजा एक दूसरे के करीब? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। फिल्मी दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी हॉट गॉसिप बनी हुई है सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम। ये फिल्म पीरियड इमोशनल ड्रामा होने वाली है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं राधा कृष्ण कुमार। प्रभास और फिल्म के डायरेक्टर के बीच ये पहला कोलैबोरेशन होगा जिसके लिए प्रभास और डायरेक्टर दोनों ही काफी मेहनत कर रहे हैं। फिल्म को लेकर मेकर्स और स्टार जितने एक्साइटेड हैं, साथ ही ऑडियंस भी काफी उत्साहित नजर आ रही है। इस फिल्म को इटली, जॉर्जिया जैसे कई देशों में शूट किया गया। दोस्तों आपको बता दूं, राधे श्याम में आपको एक इंडियन विंटेज लव स्टोरी देखने को मिलने वाला है, लेकिन किस तरह ये एपिक लव स्टोरी की शुरुआत होगी, आखिर किस तरह से फिल्म में हीरो हीरोइन एक दूसरे से मिलेंगे, कैसे प्रभास पूजा हेगड़े के प्यार में पड़ेंगे, आखिर कैसी होगी फिल्म की एपिक लव स्टोरी, ये जानने के लिए हम सभी तो बेहद एक्साइटेड हैं। राधे श्याम में पूजा हेगड़े एक मेडिकल स्टूडेंट का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगी। एक हॉस्पिटल में अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करते हुए वो दिखेंगी, जिसका नाम होता है प्रेरणा। अब प्रभास की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में वो विक्रमादित्य का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। उनका कई बार पिक्चर में एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें फटाफट ही हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और जहां उनकी मुलाकात होती है प्रेरणा से। दोस्तों लव स्टोरी की शुरुआत यहीं से होती है, प्रभास को पहली नजर में ही प्रेरणा से प्यार हो जाता है। दोनों को ही एक दूसरे से पहली नजर में प्यार हो जाता है, लेकिन प्रेरणा को ये बात थोड़ी लेट समझ आती है। ये रियलाइज होने के बाद भी उन्हें प्रभास से प्यार हो चुका है, वो इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती हैं। आखिर क्यों होना चाहती हैं प्रेरणा प्रभास से दूर, इसके लिए फिल्म में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रखा गया है। फिल्म में मेजर ट्विस्ट तब आता है जब प्रेरणा और प्रभास एक दूसरे से दूरियां बना लेते हैं। इस दूरी को शायद हमारी ऑडियंस भी सहन नहीं कर पाए, क्योंकि इस फिल्म में एक बहुत ही बड़ा इमोशनल प्लॉट भी रखा गया है, जहां प्रभास अपनी एक्टिंग स्किल्स के बदौलत लोगों का दिल जीतते हुए एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। हालांकि मैं आपको एक और बात बता दूं, प्रभास ही नहीं बल्कि पूजा ने भी इस पिक्चर में दमदार एक्टिंग की है, इस बात में कोई शक नहीं है। इस बात के गवाह खुद फिल्म के एक्टर प्रभास हैं। जी हाँ, प्रभास ने कई दफा पूजा हेगड़े की एक्टिंग स्किल्स की तारीफ भी की है। प्रभास ने कई दफा खुद ये बात कही है कि उन्हें पूजा हेगड़े की एक्टिंग स्किल्स काफी ज्यादा पसंद आती है। दोनों की ही ऑफ स्क्रीन दोस्ती और केमिस्ट्री और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, जिस वजह से उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने में ऑडियंस को और भी ज्यादा मजा आने वाला है। क्या ऑन स्क्रीन पूजा हेगड़े के साथ रोमांस की एक्टिंग करते करते प्रभास सच में पूजा को अपना दिल दे बैठे हैं? क्या पूजा हेगड़े, जो फैंस को अपनी एक्टिंग और अपने अदाओं से हमेशा से इम्प्रेस करती हुई आई हैं, बाहुबली के दिल में जगह बना ली है? दोनों जिस तरीके से एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, प्रभास ने पहली बार किसी एक्ट्रेस की इतनी तारीफ की होगी। हम सभी जानते हैं प्रभास काफी शाय और इंट्रोवर्टेड एक्टर हैं। उनका नाम पहले अनुष्का शेट्टी के साथ भी जोड़ा गया था, हालांकि प्रभास ने शुरुआत से ही इस बात से साफ इनकार किया है। लेकिन जब बात की जाए पूजा हेगड़े की, तो प्रभास लगातार ही उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही है कि प्रभास और पूजा हेगड़े एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं। आप सभी का क्या राय है इस पर, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें। जिंदगी में हम वो एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था।